हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एकाम्र एकेडमी। फ्रेंड्स, मुँ आपको कही जे मंडे ओडिशा पुलिस ओ ट्रिपल एससी आरआई एआरआई अमीन पाई जीके क्लास स्टार्ट करवा, तो नहीं आसी जीके। आज आम डिस्कस करवा टॉप 30 इंपोर्टेंट पॉलिटी जीके। नेक्स्ट डे आम साइंस जियोग्राफी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री एंड मिसलेनियस सब डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा फ्रेंड्स। ओके, तो आज टॉप 30 पॉलिटी एमसीक्यू डिस्कशन करिबा, जोटा कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो चैनल जो प्रथम करी विजिट करचोंदे देन डेली मॉर्निंग रे करंट अफेयर्स सहित इवनिंग रे स्टैटिक जीके एंड जॉब रिलेटेड इनफॉरमेशन पाई चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके, और वीडियो को आज वीडियो टारगेट रही फ्रेंड्स लाइक 50। एटा जदि 50 लाइक आसे देन आगु को वीडियो कंटिन्यू करबा, आ आगु आपण कौन को रिलेटेड वीडियो चाहूँ सेटा भी कमेंट लिखे जनइबे। ओके, चलो डिस्कशन करबा आज फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी रो। ओके, इलेक्शन कमिशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिशन कहा को नहीं कि गठित। इलेक्शन कमिशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड टू अदर इलेक्शन कमिशनर। ओके, इलेक्शन कमिशन जोड़ा आमर निर्वाचन आयोग से जड़े चीफ इलेक्शन कमिशनर रुहंती आउ दीज इलेक्शन कमिशन रुहंती। ओके, चीफ इलेक्शन कमिशनर एबे किए अच्छा सुशील चंद्रा जी एंड टू अदर इलेक्शन कमिशनर आमर जी अच्छा राजीव कुमार जी एंड अनूप चंद्र पांडे। ओके, बुझला फ्रेंड्स, एटा करंट अफेयर रिलेटेड आपण हो चीफ इलेक्शन कमिशनर सुशील चंद्रा जी एंड इलेक्शन कमिशनर दु जन जो आमर अच्छा राजीव कुमार जी एंड अनूप चंद्रा जी। ओके, इलेक्शन कमिशनर आर्टिकल मन रखी दिंतु आर्टिकल 324। ओके, 324 आर्टिकल 324 डील्स विथ इलेक्शन कमिशनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, दि इलेक्शन कमिशन कमिशनर अपॉइंटेड बाय हुम। इलेक्शन कमिशनर को किए अपॉइंट करती, हि इज आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आम देश राष्ट्रपति इलेक्शन कमिशनर को चीफ इलेक्शन कमिशनर को भी अपॉइंट करती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, अंडर हुज एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स रीजनल इलेक्शन कमिशन। कहार आदेश बा रिक्वेस्ट द्वारा प्रेसिडेंट आमर राष्ट्रपति अपॉइंट करती रीजनल इलेक्शन कमिशनर। रीजनल इलेक्शन कमिशनर मीनिंग होची आमर जो इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया रे होची, रीजन वाइज इलेक्शन कमिशन जन जन रहिबो ताकि सेमाने देखी परिबे इलेक्शन रिलेटेड डाटा। ओके, तो आकु कहार एडवाइस रे से होचंदी इलेक्शन कमिशनर। ओके, इलेक्शन कमिशनर एडवाइस रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती रीजनल इलेक्शन कमिशनर को। फ्रेंड्स, एगुडा सब नोट डाउन करंतु फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द टर्म ऑफ इलेक्शन कमिशनर इज इलेक्शन कमिशनर जी रहउचंदी तांक चीफ इलेक्शन कमिशनर तांकर टर्म कार्यकाल केते वर्ष सेटा होची 6 इयर। ओके, टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिशनर होची 6 इयर 6 वर्ष। ओके, एज देखिबा एबे, द चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया रिटायर्ड्स एट द एज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिशन कर कार्यकाल तो 6 वर्ष बट से रिटायर हेबे जदि तापर तांग जदि एज तांकर 65 इयर्स हे जाउची। ओके, 65 जो पर्यंत हैनी से कंटिन्यू करिवे। सपोज जणे 63 रे अपॉइंट हला चीफ इलेक्शन कमिशनर पोस्ट रे बट तांकर कार्यकाल 6 इयर बट से 65 इयर्स रे रिटायर्ड नै जिवे फ्रेंड्स। ओके, तो 2 इयर ही से सर्विस रहिबे। ओके, द चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 इयर अंटिल द एज ऑफ 65 इयर्स ऑफ एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, इन इंडिया द चीफ इलेक्शन कमिशनर ईसी रो फुल फॉर्म होची इलेक्शन कमिशनर फ्रेंड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर एंड द सेम ग्राउंड एज जने चीफ इलेक्शन कमिशनर रिमूव हुवंती तांको ऑफिस रो सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड कोथरे जो थे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट माने रिमूव होंते जो थे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव होंते जो जो मैनर रे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी से मैनर रे रिमूव होंते। ओके, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु ऑर्गेनाइजेस द इलेक्शन कमिश्नर व्हाट ऑर्गेनाइजेस द इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर कौन ऑर्गेनाइज करते मेन काम कौन यार मीनिंग है इलेक्शन कमिशनर काम कौन। इलेक्शन कमिशनर काम हो पोलिंग बूथ जो बूथ होची इलेक्शन वोट टाइम रे पोलिंग करवा काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तीन टा होची इलेक्शन कमिशनर मेन काम। ओके, आहरी भी रही पार्टी को माने लोगो देवा किए को पार्टी माने जो आम ए चिन्ह शंख चिन्ह पद्म चिन्ह एगुडा भी इलेक्शन कमिशनर मेन काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु इज द फर्स्ट
चीफ इलेक्शन कमिश्नर। प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए से होंगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम डिस्कस कले सुशील चंद्राजी। सुशील चंद्राजी ओके इलेक्शन कमिश्नर अनूप कुमार पांडे एंड राजीव कुमार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा व्हाट इज व्हेन द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। कैबिनेट द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान केबे अप्रूव होता। ई गवर्नेंस रो मीनिंग होची इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इट इज इन मे 2005 रे ई गवर्नेंस प्लान वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। ओके नेक्स्ट फ्रेंड्स ये थिला इलेक्शन कमिशन रो किछि इंपोर्टेंट जिके। एबे देखियो फाइनेंस कमिशन रिलेटेड किछि जिके। ओके फाइनेंस कमिशन कंसिस्ट ऑफ कहा को नहीं गठित से होचोंदी चेयरमैन एंड चारि जण अदर मेंबर। ओके फाइनेंस कमिशन रे मेनली चेयरमैन जणे रहिबे एंड अदर चारि जण मेंबर। फाइनेंस कमिशन आर्टिकल केते आर्टिकल उडा भी मन रखंतु 280। ओके आर्टिकल 280 इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट काली एटा क्विज रे भी पचारि फ्रेंड्स। ओके हु अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिशन। किए अपॉइंट करंती फाइनेंस कमिशन कारण फाइनेंस कमिशन जणे चेयरमैन सहित प्लस चारि जण आमर अदर मेंबर रुहंती सेथिरे चेयरमैन को किए अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके आमर देशर राष्ट्रपति अपॉइंट करंती चेयरमैन को फाइनेंस कमिशन रो। ओके नेक्स्ट द टर्म ऑफ फाइनेंस कमिशन केते टर्म केते तांकर कार्यकाल 5 इयर्स। ओके तांकर ऑफिस रे टोटल टर्म होची फाइनेंस कमिशन रो 5 इयर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लाइक देबे फ्रेंड्स। ओके हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमिशन। फर्स्ट फाइनेंस कमिशन चेयरमैन किए ही इज केसी नियोगी। ओके केसी नियोगी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिशन। ओके ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स नोट डाउन। नेक्स्ट हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमिशन। 15th फाइनेंस कमिशन रो करेंट चेयरमैन किए अच्छे IAS एनके सिंह। एनके सिंह रो फुल फॉर्म होची नंद किशोर सिंह। ओके IAS से जन IAS ऑफिसर। ओके से करेंट 15th फाइनेंस कमिशन अच्छा चेयरमैन भाव में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमिशन इन इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर आउ स्टेट भितर डिस्ट्रीब्यूट करिवा रेवेन्यूटा हूँ मेन फाइनेंस कमिशन रो काम प्राइमरी वर्क। ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये थिला फाइनेंस कमिशन रिलेटेड इंपोर्टेंट जिके। एबे ऑफिशियल लैंग्वेज आमर जहाँ जहाँ रही है डिस्कस करिवा। ओके पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ कहा सहित ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आमर ऑफिशियल लैंग्वेजटा केते नंबर पार्ट पार्ट 17। ओके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रे केतरा टोटल फाइनेंस ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड होइछि टोटल होछि देयर आर 22 लैंग्वेजेस। ओके 22टा टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रिकॉग्नाइज होइछि एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट हिंदी इज रिटन इन व्हिच स्क्रिप्ट। हिंदीटा जो हमरो रिटन होइछि सेटा को स्क्रिप्ट रे रिटन होइछि इट इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके देवनागरी स्क्रिप्ट रे हिंदी रिटन होइछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा व्हिच लैंग्वेज इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कोटा इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज होची हिंदी। हिंदी होची इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट व्हिच लैंग्वेज इज प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट। माने सुप्रीम कोर्ट आम इंडिया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अच्छे एंड एवरी स्टेट रे गोटे गोटे हाई कोर्ट अच्छे तो टोटल जो आम सुप्रीम कोर्ट आउ हाई कोर्ट रे को लैंग्वेज रे जज आउ आमर एडवोकेट समाने कन्वर्सेशन करती प्रिसाइडिंग हूँ इट इज इंग्लिश लैंग्वेज। ओके इंग्लिश लैंग्वेज रे नेक्स्ट देखिवा व्हिच ऑफ द स्टेट हैज इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। को राज्यर इंग्लिश होची ऑफिशियल लैंग्वेज इट इज नागालैंड। नागालैंड रो इंग्लिश होची ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज उर्दू एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। को स्टेट रे उर्दू होची तार ऑफिशियल लैंग्वेज इट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके जम्मू एंड कश्मीर रे उर्दू तार ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा हाउ मेनी
क्लासिकल लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रे केतरा क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हेछि इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रे? टोटल 6 लैंग्वेज। ओके, 6टा लैंग्वेज फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ओके, कोटा को ईयर रे भी डिस्कस करबा। तमिल हेछि 2004 रे, संस्कृत हेछि 2005, तेलुगु 2008, कन्नड 2008, मलयालम 2013 एंड आमर ओडिया 2014 रे। ओके फ्रेंड्स, एटा भी नोट डाउन करंतु। ओके, नेक्स्ट देखिबा, आरटीआई एक्ट ऑफ इंडिया केम फुली इनटू फोर्स इन व्हिच ईयर? आरटीआई राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट, जो थरे आमे गवर्नमेंट टू बहुत जिंस माने आमर किछि तथ्य नहीं पर्चन, जो आमर सपोज एग्जाम रे आमर मार्क कमिला या कोठी अपॉइंटमेंट रे बहुत डिले हला, देन आमे आरटीआई पको अप्लाई करचोंती। ओके, तो सेटा होची को ईयर फुली फंक्शन है छी माने फोर्स रे आछी माने काम दोची, इट इज अक्टूबर 2015। अक्टूबर 2015 रे आरटीआई एक्ट केम इनटू फुली फोर्स। ओके, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आर वी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया इज, नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया कौन? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ होची आमर नेशनल एम्ब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द नेशनल एम्ब्लम ऑफ द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, कोठु अडॉप्ट करा जाय छी आमर नेशनल एम्ब्लम को? इट इज जातीय संकेत जोड़ा आमर, लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ। ओके, लायन कैपिटल अशोकंकर लायन कैपिटल रो आमर नेशनल एम्ब्लम अडॉप्ट करा जाय छी। ओके, सारनाथ रे। नेक्स्ट, द अदर नेम ऑफ अशोक चक्र इज, अशोक चक्र रो अन्य ना कौन? धर्म चक्र। ओके, अशोक चक्र रो अन्य ना होची धर्म चक्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन इंडियन नेशनल एम्ब्लम? इंडियन नेशनल एम्ब्लम रे केतरा एनिमल अछंती? देयर आर 4 एनिमल्स फ्रेंड्स। ओके, 4टा एनिमल अछंती इंडियन नेशनल एम्ब्लम रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द वर्ड सत्यमेव जयते आर इनस्क्राइब्ड फ्रॉम, कोठु इनस्क्राइब करा जायछि सत्यमेव जयते? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम फ्रेंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द एम्ब्लम इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, जो देवनागरी स्क्रिप्ट रो बॉटम ऑफ एम्ब्लम सेठु सत्यमेव जयते इनस्क्राइब करा जायछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयतेर मीनिंग कौन? सत्यमेव जयतेर मीनिंग होछि ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सत्यमेव जयतेर मीनिंग होछि ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, कोठु अणा जाय छी? इट इज फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ओके, सत्यमेव जयते इनस्क्राइब्ड अलगा फ्रेंड्स, इट इज देवनागरी स्क्रिप्ट एंड सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये थिला लगभग 30 एमसीक्यू रिलेटेड टू पॉलिटी। ओके, पॉलिटी रो आहुरी भी सेशन करबा, लगभग 500 क्वेश्चन डिस्कस करबा फ्रेंड्स पॉलिटी रो। ओके, तो आज आपन ए वीडियोटा केमती लागिला सेटा कमेंट रे लिखि जणेबे। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे होम सेफ होम टू डिफीट कोविड-19 एंड जदि वीडियो भल लागिले देन आज रो टारगेट रो लाइक 50 फ्रेंड्स, आउ शेयर करन जति परिबे शेयर करन जो माने ओडिसा पुलिस एंड आरआई एआरआई अमिन पई प्रिपेयर होचंती, आ चैनल रे जदि प्रथम करे विजिट कर देन प्लीज सब्सक्राइब करंतु फ्रेंड्स एंड सपोर्ट करंतु जे काली की आ गोटे नुवा वीडियो नै आसीबा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर, जय जगन्नाथ।